क्या आपको पता है कि सिंगापुर में कोई इंसान पब्लिक प्लेस में थूक देता है तो उसे $1,000 का जुर्माना देना पड़ता है, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ती है। क्या आपको पता है कि 70% लोग पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं क्योंकि वे उनकी यादें जुड़ी होती है। क्या आपको पता है कि हाथ मिलाने के इतने कीटाणु स्थानांतरित होते हैं कि जितने चुमने से भी नहीं होते। क्या आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है तथा इसकी रफ्तार 186,000 मील प्रति सेकंड रहता है। क्या आपको पता है कि रोम दुनिया का वो शहर है जिसकी आबादी ने सबसे पहले 1,000,000 आंकड़ा पार किया था। क्या आपको पता है कि भारत सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के तहत देश में रहने के लिए लिहाजा से बड़े शहरों में बेंगलुरु और छोटे शहरों में शिमला का सबसे अच्छा शहर के रूप में चुना गया है कि बड़े शहरों की सूची में पुणे अहमदाबाद जबकि छोटे शहरों की सूची में भुवनेश्वर और सिलवास दूसरे तीसरे स्थान पर है। क्या आपको पता है कि मनोविज्ञानी के अनुसार वीडियो गेम खेलना व्यक्तियों की और रचनात्मक बनाता है। क्या आपको पता है कि एक आम व्यक्ति के 3 से 5 तक करीबी दोस्तों होते हैं, अगर कोई दोस्ती 7 साल से ज़्यादा टिकती है तो वह जीवन भर रहती है। क्या आपको पता है कि धरती का तापमान जितना अधिक होता जाएगा फूलों को खुशबू उतनी कम होती जाएगी। क्या आपको पता है कि अभिनेता जैकी चैन 12 महीने अपनी माँ के पेट में रहे थे। क्या आपको पता है कि जापान के अरबपति यासुका मिजुआ ने अपने 7-8 लोगों के मुफ्त में चांद पर ले जाने के लिए घोषणा की है। इस बात की घोषणा के बाद में मिजुआ के पास दुनिया भर के लाखों आवेदन आए हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा आवेदन भारत के द्वारा दिए गया है। क्या आपको पता है कि यदि एक मधुमक्खी आपके डंक मार दे तो आपके शरीर के अंदर सिराना पैदा हो जाती है, लेकिन चीन के बिक्की पर सीपिंग मधुमक्खियों से खेलता है जो कि एक बिंकी पर सीपिंग ने अपने शरीर पर 3,31,000 मधुमक्खियों को बैठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या आपको पता है कि हनुमानगढ़ राजस्थान में शराब की एक दुकान की ई नीलामी शुरू की गई जिसकी शुरुआत 72 लाख रुपये से हुई और आखिरी में 510 करोड़ की खत्म हुई। पिछले साल इस वाइन शॉप एक लॉटरी में 65 लाख में बेचा गया था। क्या आपको पता है कि सोनू सूद सोनू फॉर यू नाम से जल्द ही एक ब्लड बैंक एक शुरू करने जा रही है। इस ऐप के द्वारा रक्तदाताओं को तुरंत ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जरूरतमंदों को तत्काल खून की उपलब्ध करा सकेंगे। क्या आपको पता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका मस्तिष्क 7 मिनट तक सक्रिय रहता है, उस व्यक्ति के यादों के सपनों के जरिए दोबारा दिखाता है। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बांग्लादेश के बीच की फेनी नदी से बनी मिस्त्री सेतु का उद्घाटन कर दिया गया। करीब 133 करोड़ रुपये की लागत पर इस पुल को 1.9 किलोमीटर लंबा बनाया गया जो कि भारत के बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का और मणिपुर के संबंधों को प्रतीक है। क्या आपको पता है कि ओला कंपनी तमिलनाडु में अपने दोपहियों के प्लांट के निर्माण के शुरू किया। यह दुनिया के सबसे बड़े दोपहियों कारखाना होगा जिसमें से 500 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा और यह साथ ही इंस्टीट्यूट और 4.0 टेक्नोलॉजी के अपनाए जाने के बाद बावजूद लगभग 10,000 नौकरियां पैदा होगी। क्या आपको पता है कि 7800 फीट की ऊंचाई पर स्थित वीर ब्लिंग पैरालैंडिंग पॉइंट एशिया की सबसे ऊंची, दुनिया के दूसरा सबसे ऊंचा पैरालैंडिंग पॉइंट है और बीर बिलिंग में साल 2015 में पैराग्लाइडिंग विश्व कप आयोजित किया गया था। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के FBR कंपनी ने हाइड्रियन एक्स नाम के एक रोबोट बनाया थे जिसमें 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला मकान लगभग 2 से 3 दिन में बना देता है। क्या आपको पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक नियम के तहत जब भी कोई टॉल प्लाजा आर्मी ऑफिसर के जवान निकले तो उसे सम्मान के साथ सैल्यूट किया जाएगा। यह नियम साल 2017 में लागू किया गया था। क्या आपको पता है कि रूस से स्थित कोला सुपरडेम बोरहोल दुनिया में मनुष्य द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है। यह गड्ढा लगभग 12.5 किलोमीटर गहरा जिसमें से यह 240 फीट के 167 कुतुब मीनार समा जाएंगे। क्या आपको पता है कि जो स्त्री और पुरुष के एक जैसा संगीत सुनना पसंद करते हैं वो बेहतर संचारक होते हैं और उनके रिश्तों लंबे समय तक टिकते हैं। क्या आपको पता है कि शंघाई के टावर में लगी लिफ्ट दुनिया के सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है जो कि 73.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। इसकी स्पीड के कारण इस लिफ्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्या आपको पता है कि एप्पल के सह संस्थापक रोनाल्ड विन अपने शेयर $800 में बेच दिए थे जिनकी आज के एक समय में कीमत $35 अरब होगी। क्या आपको पता है कि इसराइल में खेती के लायक जमीन की काफ़ी कमी होने के कारण वहाँ वर्टिकल वार्मिंग की जाती है, यहाँ के धान और गेहूं के साथ साथ सब्जियां भी दीवारों पर उगाई जाती है। क्या आपको पता है कि भारतीय सेना दक्षिण कश्मीर के एक गांव मौजूद है जर्जर बस स्टैंड की स्टेट लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। इस स्टेट लाइब्रेरी की मदद से आपस में एक इलाकों के छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षाओं को उच्च अध्ययन की तैयारी करने की मदद मिलेगी।
क्या आपको पता है कि स्कूल की बसों का रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य का आंखों किसी रंग की तुलना में पीला रंग सबसे जल्दी दिखता है। यह रंग अंधेरे व कोहरे में भी आसानी से दिखा जाता है, जिससे दुर्घटना आदि में बचाव होता है। क्या आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम एकमात्र ऐसा टीम बनाया गया जो कि टेस्ट, ओडीआई और टी20 फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग सूची में टॉप 2 स्थान पर मौजूद है। क्या आपको पता है कि कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरे के मुकाबले ज़्यादा उदास रहते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप अलार्म की धुन वहीं रखें जो कि आपके मोबाइल रिंगटोन है तो आपको उठने में आसानी होगी। क्या आपको पता है कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कुल 413,670 भिखारी है, जिनमें से सर्वाधिक 81,244 भिखारी पश्चिम बंगाल में है और 65,835 भिखारियों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थानों पर और 30,218 भिखारियों के साथ आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर है। वही और लक्षद्वीप सबसे कम सिर्फ 2 भिखारी है। क्या आपको पता है कि चीन में सफ़ेद फूल और घड़ी के तोहफे में देना गलत माना जाता है। चीनी लोगों को मानना है कि सफ़ेद फूल की किसी अंतिम संस्कार पर दिया जाता है और घड़ी आदमी के जीवन में कम समय बचने के प्रतीक होता है, इसलिए चीनी लोग यह देने तोहफे के मिलने पर बुरा माना जाता है। क्या आपको पता है कि भारतीय बिजनेस और टाइकून गौतम अडानी इस साल के सबसे अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के एलन मस्क और जेफ बेजोस के पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष अपनी कुल संपत्ति $16.2 बिलियन के बढ़त की है, जिसमें से उनकी कुल संपत्ति $50 बिलियन हो गई है। क्या आपको पता है कि किसी म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट या नई भाषा सीखने के आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है। क्या आपको भारत के रत्न पाने वाला व्यक्ति देश भर में रेलवे की मुफ्त यात्रा करा सकती है, जिसके साथ एयर इंडिया इन व्यक्तियों को आजीवन मुफ्त कार्य वर्ग में यात्रा प्रदान करती है और दिल्ली सरकार की इन व्यक्तियों को मुफ्त में बस सेवा देती है। क्या आपको पता है कि साल 1886 में मुंबई में न्यूयॉर्क जा रहे थे पेन ऑम 73 विमान के 4 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और विमान के अमेरिका यात्रियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद 23 साल की नीरज भनोट नाम की एक फ्लाइट अटेंडी ने उस विमान में 359 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट के छिपाकर उनकी जान बचाई और खुद की जान गंवा दी। नीरज के इस ऐतिहासिक कार्य के बलिदान के लिए भारत सरकार ने अशोक चक्र और पाकिस्तान सरकार के तमाम ए इंसानियत से नवाजा था। क्या आपको पता है कि नोकिया फिनलैंड की एक छोटा शहर है कि नोकिया मोबाइल इस शहर में बनता है, इसी शहर के नाम पर नोकिया कंपनी का नाम है। क्या आपको पता है कि एटीएम की जॉन शेफर्ड बरन ने बनाया था और 1965 में एक दिन बरन पैसा निकालने बैंक एक मिनट की देरी से पहुंचे और बैंक के बाद बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसे 24 घंटे पैसे निकाले जा सके। क्या आपको पता है कि दिल्ली से देहरादून जाने वाली शताब्दी ट्रेन के बीच सी फोर में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके तुरंत बाद कोच के 35 यात्रियों के दूसरे कोच में शिफ्ट करने के कोच को अलग कर दिया गया था। यात्रियों को मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना को कोई घायल नहीं हुआ। क्या आपको पता है कि चीन के एक्सिन में बना 328 फीट का लंबा एक स्मोक टावर दुनिया के सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर है, जो कि रोज करीब 10 मिलियन क्यूबिक मीटर ताजी हवा उत्पादन करती है। सबको पता है कि सूत्रों से मिली जन खबरों के अनुसार कोलकाता के हुगली नदी के नीचे बनाया गया और मेट्रो ट्रेन का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर ट्रेनों पानी के अंदर एक सुरंग और गुजरेगी जो लगभग 520 मीटर लंबा और 30 मीटर गहरा बनाया गया, जो कि दुनिया के दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के लिए करीब 60 सेकंड का वक्त लगेगा। क्या आपको पता है कि सर्दी के मौसम में तुर्की और बुल्गारिया के लोगों अपनी पुरानी जैकेट को उतारकर पेड़ में टांग देते हैं, जिससे कि जरूरतमंदों लोगों को वजह से जैकेट की मिल सके। क्या आपको पता है कि कजाकिस्तान के कलाची गाँव में लोग अक्सर सोते हुए नजर आते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार इस गाँव में यूरेनियम की काफ़ी जहरीली गैस निकलने के कारण यहाँ के लोग अक्सर सोते हुए पाए जाते हैं। यहाँ के लोग कहीं भी और कभी भी सो जाते हैं, जिससे स्लीपी होलो गांव के नाम से भी जाना जाता है।